हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर हम लोग मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पर जब हम लोग किसी भी डिवाइस को किसी अनदर डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले होता है कि हमने राउटर वन के किस पोर्ट से राउटर टू को कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्ट नेम डिस्प्ले हो रहा है या पोर्ट नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ पर सभी। फिर राउटर को स्विच से या स्विच को राउटर से आपने किस पोर्ट के द्वारा कनेक्ट किया हुआ है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये पोर्ट नंबर या पोर्ट नेम डिस्प्ले ना हो, तो उसके लिए आप जस्ट टूल्स के अंदर जाए, सॉरी ऑप्शंस में जाइए। यहां पर आता है प्रेफरेंसेस टैब, प्रेफरेंसेस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहां पर अगर आप चाहते हैं कि पोर्ट नंबर डिस्प्ले ना हो, तो आप यहां से इसको अनचेक कर देना। बाय डिफॉल्ट ये चेक मार्क रहता है, ऑलवेज शो पोर्ट लेबल। देखो, अगर आप इसको अनचेक कर देते हो तो यहां पर किसी भी पोर्ट का नेम या पोर्ट नंबर डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहीं पर अगर हम लोग देखें तो हर एक डिवाइस का नेम भी डिस्प्ले हो रहा है। PC0, PC1, PC2, PC3, स्विच, स्विच, राउटर, राउटर। अगर आप चाहते हैं कि ये नेम भी डिस्प्ले ना हो किसी भी डिवाइस का, तो आप इसको यहां से अनचेक कर देना, शो डिवाइस नेम लेबल्स, इसको अनचेक कर देना। तो देख सकते हैं आप यहां पर हर एक डिवाइस से उसका नेम भी रिमूव हो गया है। ठीक है, इसके बाद मैं दोबारा से इनको चेक मार्क कर लेता हूं। देखो, जैसे मैं यहां पर चेक मार्क या अनचेक करूंगा, तो देखो सभी डिवाइसेस से नेम डिस्प्ले हो रहे हैं, और अनचेक कर देता हूं तो नेम जो है वो रिमूव हो जाते हैं सभी पोर्ट से। अगर मैं डिवाइस पर चेक मार्क करता हूं, नेम लेबल्स के अंदर सभी डिवाइस के नेम डिस्प्ले हो जाते हैं। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूं तो ये डिस्प्ले नहीं होते हैं। तो मैं दोबारा से इनको दोनों को ही चेक मार्क कर देता हूं। ठीक है, इसके बाद इसको मैं अभी के लिए क्लोज कर देता हूं। अब जरा हम लोग एक अनदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं। देखिए, जब हम लोग राउटर, स्विचेज या किसी भी डिवाइस को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग यहां से एक नोट यूज कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट नोट पर क्लिक कीजिए। जैसे कि राउटर के, अगर जब मैं राउटर को कॉन्फ़िगर करूंगा, तो राउटर को कॉन्फ़िगर करते हुए सीरियल पोर्ट को क्या आईपी एड्रेस असाइन करूंगा, मैं उसे यहां पर नोट के द्वारा मेंशन कर सकता हूं। जैसे कि राउटर वन के सीरियल 0/0 को मैं 10.0.0.1 आईपी एड्रेस प्रोवाइड करूंगा। इसी तरह ये देखिए जरा हो गया। इसी तरह हम लोग राउटर के फास्ट इथरनेट 0/0 को क्या आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। इसको मैं असाइन करूंगा 20.0.0.1, पीसी को क्या प्रोवाइड करेंगे 20.0.0.2, सेकंड पीसी को 20.0.0.3 और 20.0.0.4। इस तरह हम लोग हर एक डिवाइस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मैं राउटर टू के सीरियल 0/0, जिसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है राउटर वन के सीरियल 0/0 को, इसको भी 10.0.0.2। अब राउटर टू के फास्ट इथरनेट पोर्ट को 30.0.0.1, पीसी को 30.0.0.2, 30.0.0.3 और इसे 30.0.0.4।
क्लियर है दोस्तों। अब हमने राउटर 2 के सीरियल 0/1 से राउटर 3 का सीरियल 0/0 कनेक्ट किया हुआ है, तो अब मैं यहां पर राउटर 2 के सीरियल 0/1 को 40.001 प्रोवाइड करता हूं और राउटर 3 के सीरियल 0/0 को 40.002। थर्ड राउटर के फास्ट इथरनेट पोर्ट को 50.001, पीसी को 50.002, 50.003 और 50.004 और देखे जा रहा है दोस्तों। सभी डिवाइसेस को हमने यहां पर आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। अब आप ऐसा कीजिए, क्लियर। अब देखो दोस्तों, यहां पर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको अब क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम लोग दो पोर्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसे कि राउटर से राउटर को कनेक्ट करने के लिए हमने ये दो सीरियल पोर्ट यूज किए हुए हैं, तो इनको हम लोग सेम नेटवर्क का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। यहां पर भी राउटर 2 के सीरियल 0/1 से राउटर 3 का सीरियल 0/0 कनेक्ट किया हुआ है, तो इन दोनों पोर्ट को हम लोग सेम नेटवर्क का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। यहीं पर राउटर के फास्ट इथरनेट पोर्ट को 30 के नेटवर्क का आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है, तो राउटर के फास्ट इथरनेट पोर्ट से जो भी हमने पीसी कनेक्ट किए हुए हैं, चाहे वो डायरेक्ट पीसी कनेक्ट किया हुआ है, चाहे हमने स्विच के द्वारा पीसी कनेक्ट किया हुआ है, पीसी को हम लोग उस नेटवर्क का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं जिस नेटवर्क का आईपी एड्रेस हमने राउटर के फास्ट इथरनेट पोर्ट को प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहां पर अब आप पूरे सिनेरियो में आप ये देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर हम लोग डिस्कस करें, देखिए, जब भी हम लोग राउटर या स्विचेज को कॉन्फ़िगर करते हैं, अगर आपके पास में राउटर और स्विचेज फिजिकली अवेलेबल है, तो उसे कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग राउटर या स्विच का कंसोल पोर्ट यूज करते हैं और उस कंसोल केबल के द्वारा कंसोल पोर्ट के द्वारा कंसोल केबल कनेक्ट करते हैं और किसी अनदर पीसी, जिस पीसी के पास में सीरियल पोर्ट अवेलेबल है, तो पीसी के सीरियल पोर्ट से राउटर या स्विच का सीरियल पोर्ट पीसी के सीरियल पोर्ट से हम लोग राउटर या स्विच का कंसोल केबल कंसोल पोर्ट कनेक्ट करते हैं कंसोल केबल के द्वारा, ताकि हम लोग उस पीसी के द्वारा राउटर या स्विच को कॉन्फ़िगर कर सके। लेकिन सिस्को पैकेट ट्रेसर जो है, एक सिंपल सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको अगर राउटर या स्विच कॉन्फ़िगर करना है तो जस्ट आप उस स्विच पर क्लिक कीजिए, ठीक है। ये देखिए, और यहां पर एक टैब मिलता है, सीएलआई टैब, ये देख सकते हैं आप। यहां पर इस टाइम पर राउटर जो है ये बूट हो चुका है। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर आपको कंसोल केबल या कंसोल पोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसी भी राउटर या स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए, चाहे तो आप जस्ट इस जिस भी डिवाइस पर क्लिक करते हैं वहीं पर आपको सीएलआई टैब मिलता है और यहां से आप उस डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये देखिए जरा, आपको जस्ट बूट हुआ मिलता है, क्लियर है दोस्तों। बाकी अगर आपके पास में कोई भी फिजिकल या फिजिकल राउटर या फिजिकल स्विच अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको एक पीसी की रिक्वायरमेंट होती है जिस पीसी में सीरियल पोर्ट होता है, उस पीसी के सीरियल पोर्ट के द्वारा हम लोग राउटर या स्विच का कंसोल पोर्ट कनेक्ट करते हैं कंसोल केबल के द्वारा। और हाइपर टर्मिनल एक एप्लीकेशन होती है जिसके द्वारा हम लोग राउटर या स्विचेस को कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन सिस्को पैकेट ट्रेसर में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जिस भी डिवाइस को आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं जस्ट आप उसी पर क्लिक कीजिएगा, तो यहां से आप उसको डायरेक्टली कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट कर सकते हो।
ये देख सकते हैं सभी में सीएलआई टैब आया हुआ है। क्लियर है दोस्तों? और यहीं से ही जब आप किसी भी डिवाइस को कॉन्फ़िगर करते हैं तो यहीं से ही आप उस डिवाइस की पूरी कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए जरा, यहां पर ये बूट हो रहा है राउटर, ठीक है। यहीं से ही आप देख सकते हैं कि इस राउटर के अंदर iOS का कौन सा वर्जन यूज किया जा रहा है, ये जो आप सिस्को राउटर यूज कर रहे हैं ये कौन सी कंपनी का है, मॉडल नंबर क्या है, प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, मेमोरी कितना है इस राउटर में, सिस्को कंपनी का एड्रेस क्या है, यहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको सिस्को ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो आप इस यूआरएल पर विजिट कर सकते हैं कोई भी टेक्निकल सपोर्ट लेने के लिए। यहीं पर आप देख सकते हैं प्रोसेसर बोर्ड आईडी क्या है इस राउटर में। राउटर में एक फास्ट इथरनेट पोर्ट है, ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का साइज क्या है। क्लियर है दोस्तों? इस तरह बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए जरा, एक फास्ट इथरनेट पोर्ट है यहां पर, और यहीं पर आप देख सकते हैं दो सीरियल पोर्ट है। ऊपर इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि हमने राउटर में बाद में सीरियल पोर्ट ऐड किया था। तो हमें अगर सिस्को पैकेट ट्रेसर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसमें कंसोल केबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसी भी राउटर या स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि राउटर और पीसीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं।